आबकारी नीति पर शिवराज सिंह चौहान का आरोप, सरकार का फैसला एमपी को मदिरा प्रदेश बना देगा। तत्कालीन सरकार ने शराब दुकानें कम की थी, अब दुकानें खुलने में तिगनी और 5 गुना हो गई हैं। यह सरकार प्रदेश की जनता को शराब में डुबा कर मार देगी। रेप की घटनाएं नशे में धुत होकर ही होती हैं, नशे के कारण अपराध बढ़ते हैं। सरकार प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहती है? एक तरफ माफियाओं पर दम भरते रहते हैं, दूसरी तरफ शराब माफियों के हवाले प्रदेश को कर रहे हैं। सीएम को पत्र भी लिख रहा हूँ, शराब की उप दुकानें खोलने के फैसले को सरकार वापस ले। यह राजनीतिक नहीं, जनता और महिलाओं की भलाई के लिए है। पहले ही कहा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सुस्थापित सोची समझी नीति थी कि शराब की दुकान मध्य प्रदेश में नहीं बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे घटनी चाहिए। क्योंकि मैं ये भी मानता था, मेरे दिमाग में एक बार नशा मुक्ति की बात भी आई थी कि पूरी तरह से बंद कर दें, लेकिन व्यवहारिक रूप से दिक्कतें थी, इसलिए हमने तय किया था कि ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करते हुए हम उस दिशा की तरफ जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात सोच समझ के कही थी, लेकिन ये फैसला हम केवल राजनीतिक कारणों से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये प्रदेश को तबाह करने वाला, और इसलिए पार्टी के नाते भी और जागरूक नागरिक के नाते भी कर रहे हैं। और इसलिए आज मैंने अपील की है उनसे, मैं चिट्ठी लिख के भी अपील करूंगा कि इस पर संजीदगी और गंभीरता से सोचे, प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का फैसला ना करें। अगर वो नहीं माने तो हम आगे जनता के साथ मिलकर आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे।